जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अगली जर्नी में तो दोस्तों आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं जो हमारे एम के टॉप फाइव एग्रीकल्चर कॉलेज है इनके बारे में दोस्तों हम बात करने वाले हैं कि इसमें प्लेसमेंट कितना रहता है और इसकी जो ऑल इंडिया रैंकिंग है वो कितनी है तो इस इसके बारे में दोस्तों हम बात करने वाले हैं तो बने रहे हैं हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों तो नंबर फाइव पर दोस्तों आपको दिख रहा होगा कि जो हमारा कॉलेज है के एन के कॉलेज मंदसौर हॉर्टिकल्चर ये दोस्तों नंबर फाइव पे कॉलेज है ये दोस्तों इसकी जो बी एस सी हॉटीकल्चर के लिए एम पी का सबसे बेस्ट कॉलेज है के एन के मंसौर कॉलेज जैसे कि आपको पता ही है ये आइसिया से जो अपना जे एन के आर के बी भी जो ग्वालियर में है उससे एक्रीडेटेड कॉलेज है सबसे बेस्ट कॉलेज है बी एस सी हॉटीकल्चर के लिए इसकी ऑल इंडिया रैंकिंग और टॉप टेन में ये दोस्तों कॉलेज आता है दोस्तों आपका ये दोस्तों व्यू दिख रहा होगा पूरा इस कॉलेज का कि जो इसका पूरा कॉलेज ये पूरा व्यू इसका ये दोस्तों आराम से आठ से दस एकड़ बारह पंद्रह एकड़ में कॉलेज एक फैला हुआ है बहुत बेस्ट कॉलेज है दोस्तों एमपी का इसको आपको स्थापना दिख रहा होगा दोस्तों इसकी दस मार्च दो हज़ार छः को इसकी स्थापना हुई थी मंसौर कॉलेज की इसकी जो फैकल्टी है दोस्तों सबसे बेस्ट फैकल्टी और प्लेसमेंट एक नंबर इसका दोस्तों प्लेसमेंट है इस कॉलेज का उसकी रैंकिंग की बात करते हो रैंकिंग में दोस्तों आपको दिख रहा होगा इसकी जो ऑल इंडिया जो ऑल इंडिया में हॉर्टिकल्चर कॉलेज है इसकी फोर्थ रैंक आती है ऑल इंडिया के जितने भी हॉर्टिकल्चर कॉलेज हैं उनमें इसकी फोर्थ रैंक आती है मंदसौर कॉलेज की तो दोस्तों आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना अच्छा कॉलेज है मंदसौर है ना तो दोस्तों अब बात करते हैं दोस्तों जो अपना डिग्री प्रोग्राम की तो डिग्री प्रोग्राम प्रोग्राम दोस्तों आपको दिख रहा होगा बीएससी एस लैंडस्केपिंग गार्डनिंग इनमें बीएससी होती है बीएससी हॉर्टिकल्चर भी होती है सो सबसे इंपॉर्टेंट है बीएससी विज्ञान क्षेत्र भी दोस्तों एम एस सी प्लांटिंग और स्पीसीज़ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक जो अपने सजावटी या सुगंधित या औषधीय पौधे होते तो हैं उनमें भी एम होती है एमसी, 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 एम एग्रीकल्चर भी होती है आपको दोस्तों ये सब दिख रहा होगा इसकी डिग्री प्रोग्राम के बारे में दोस्तों बात करते हैं नंबर चार के चार कॉलेज के बारे में नंबर चार दोस्तों आपको दिख रहा होगा आर एग्रीकल्चर कॉलेज सीहोर मोहम्मद किदवाई करके कॉलेज है ये सबसे बेस्ट कॉलेज है सीहोर का जो इसकी फैकल्टी है उसका प्लेसमेंट इसके प्लेसमेंट की बात करें तो प्लेसमेंट दोस्तों इसका सबसे नंबर वन प्लेसमेंट में आता है दोस्तों जो सबसे ज़्यादा प्लेसमेंट देता है सीहोर कॉलेज बेस्ट कॉलेज है दोस्तों प्लेसमेंट के मामले में और थोड़ी डिसिप्लिन के मामले में दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी आपको दिख रहा होगा इसकी स्थापना एक अगस्त उन्नीस सौ बानवे को इसकी स्थापना हुई थी सीहोर कॉलेज की जो कि अपने जो सबसे पहले भारत के सबसे पहले खाद्य खाद्य मंत्री थे जो कि अपने मोहम्मद जो आपको दिख रहा होगा स्वर्णिय रफी अहमद किदवाई जी इनके नाम से पुरस्कार भी चलता है तो उनने इसकी स्थापना रखी थी तो उनकी न्यू डाली थी कॉलेज की अब बात करते हैं दोस्तों के डिग्री प्रोग्राम की तो डिग्री प्रोग्राम में आपको दिख रहा होगा जो बीएससी एग्रीकल्चर एमएससी एग्रीकल्चर एमएससी एग्रीकल्चर है ना हॉर्टिकल्चर भी होता है एमएससी एग्रीकल्चर प्लांट पैथोलॉजी भी होती है एमएससी एंटामोलॉजी एंड एम एस बी एस सी क्रॉप्स प्रोडक्शन से भी होती है तो ये दोस्तों बात किया तो सबसे बेस्ट कॉलेज है टोटल अगर स्योर की बात किया तो इसलिए मैंने उसको दोस्तों नंबर चार पर रखा है ये जो बी एस सी एग्रीकल्चर या दोस्तों आपकी सीधी सीधी बात की जाए प्रैक्टिकल के लिए सबसे बेस्ट कॉलेज है सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल कॉलेज में सबसे ज़्यादा होते हैं दोस्तों डिसिप्लिन भी बहुत ज़्यादा इस कॉलेज में बात करते हैं नंबर तीन का दोस्तों आपको दिख रहा होगा कि जो हमारा आर वी एस के बी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ग्वालियर की है तो ये दोस्तों आपको पता है कि भाई ये सबसे एम का अच्छा कॉलेज है इसकी टॉप रैंकिंग भी आती है और इंडिया में अगर इसकी बी एस एग्रीकल्चर में देखी जाए तो रैंकिंग पहले अच्छी खासी आती थी क्योंकि अब भले ही कम गई है वो पता नहीं किस वजह से कमी है बाकी इसकी रैंकिंग बहुत अच्छी आती थी पहले अगर बात करें दो की दो की जो इसकी रैंकिंग अच्छी खासी आती है दोस्तों टॉप टेन में आता था ये कॉलेज है ना तो दोस्तों इसके स्थापना दिवस की बात करते हैं तो आपको दोस्तों इसके स्थापना दिवस का पता होगा कि भाई इसकी स्थापना 2008 में हुई थी जवाहरलाल नेहरू किस विश्वविद्यालय में जो एक शाखा थी पहले आपको पता होना चाहिए भाई जो एक शाखा थी बागवानी विभाग और पशु चिकित्सा विज्ञान की एक शाखा थी तो उसको दोस्तों दो भागों में विभाजित करके ही इसकी राजमाता बीजा राजे सिंधिया कृष्ण विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी जो कि 2008 में अभी हुई थी दोस्तों लाइब्रेरी भी इधर नंबर वन लाइब्रेरी है एमपी की सबसे टॉप लाइब्रेरी ग्वालियर में ही है दोस्तों है ना अब बात करते हैं दोस्तों इसकी रैंकिंग की तो रैंकिंग दोस्तों आपको दिख रहा होगा इसकी ऑल इंडिया में एक बी एग्रीकल्चर में किसकी इसकी इक्कीसवीं रैंक आती है दोस्तों आपको दिख रहा होगा इसकी पहले तो टॉप टेन में आता था या कहीं नाइन्थ टेंथ रैंक आती थी बस दोस्तों क्या क्या पता किस वजह से इसकी रैंकिंग दोस्तों थर्टी है कम गई है दोस्तों इसकी रैंकिंग है ना बाकी ये कॉलेज बहुत अच्छा है और बात करें डिग्री प्रोग्राम की तो डिग्री प्रोग्राम में आपको दिख रहा होगा जो बी एग्रीकल्चर बस सी है ना ना बी एस सी से एग्रीकल्चर स्टेटिक्स भी होती है एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स भी होती है एग्रीकल्चर इकोलॉजी भी होती है एम अगर एग्रीकल्चर एंड एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स प्लांट पैथोलॉजी ये सब दोस्तों एक डिग्री प्रोग्राम है पी एच डी डिग्री प्रोग्राम में चलते हैं तो दोस्तों आपको पता है कि प्रोग्राम डिग्रीज के तो बहुत सारे चलते हैं एमएससी पर जो जो इम्पोर्टेंट थे मोस्ट थे वो मैंने डिग्री प्रोग्राम अपने वीडियो में रखे हुए हैं है ना बाकी बहुत सारे चलते हैं जो अपने वेटनरी के भी बहुत सारे चलते हैं तो डिप्लोमा वगैरह के बहुत सारे चलते हैं डेयरी टेक्नोलॉजी से बहुत सारे प्रोग्राम चलते हैं तो मैंने जो इम्पोर्टेंट थे वो मैंने रखे हैं है ना दोस्तों अब बात करते हैं दोस्तों नंबर सेकेंड कॉलेज की सेकेंड दोस्तों आपको दिख रहा होगा जो अपना आर बी एस के बी भी ग्वालियर जो अपना आर बी एस के बी भी इंदौर एग्रीकल्चर कॉलेज है तो ये दोस्तों एम का अच्छा कॉलेज है मैं बोल सकता हूँ अच्छा कॉलेज है मैंने पता दोस्तों इसको सेकंड नंबर पे क्यों रखा है क्योंकि दोस्तों ये बच्चे क्योंकि उसको ज़्यादा प्रफेयर करते हैं लेना, इसका कट ऑफ भी दोस्तों ज़्यादा जाता है इसका कट ऑफ अगर आप बात की जाए ग्वालियर से या जबलपुर से तो इसका कट ऑफ दोस्तों हाई जाता है इंदौर का आपको पता है क्योंकि अधिकतर बच्चे जो है ना वो एग्रीकल्चर या जो इंदौर कॉलेज को लेना चाहते हैं क्योंकि सिटी अच्छी है इंडिया की टॉप क्लीनेस्ट सिटी है तो बच्चे उधर जाना चाहते हैं भाई उधर कोचिंग है ये है वो है तो ये सब चीज़ों की वजह से अधिकतर स्टूडेंट्स उधर ही जाते हैं है ना अब इसकी बात करते हैं दोस्तों अगर स्थापना दिवस की तो स्थापना दिवस की बात की जाए तो भाई आपको दिख रहा होगा दोस्तों कि जो हमारे मंत्री हैं कृषि मंत्री कमल पटेल जी और जन जन संसाधन मंत्री जी सिलावट जी तो दोस्तों इनने इसके बारे में न्यू न्यूव रखी थी इन्होंने बोला था कि भाई जो अपना इंदौर कॉलेज है इसको विश्वविद्यालय बनाया जाए इन्होंने ये बात की न्यू रखी थी भाई इन्होंने आंदोलन भी किया इस बात के लिए कि जो इंदौर कॉलेज है इसको विश्वविद्यालय बनाया जाए दोस्तों आराम से दो 2023 से 24 के आसपास तक ये विश्वविद्यालय बन जाएगा है ना इन्होंने और नाम भी इन्होंने बताया था कि भाई इसका नाम जो है अटल आपको दिख रहा होगा मैंने सब मैंशन कर रखा है कि भाई जो विश्वविद्यालय है अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम से इसका जो नामकरण है नामकरण होना चाहिए इंदौर का इन लोगों ने ये सब जो है राज्यसभा में पेश किया था कि भाई इसको विश्वविद्यालय बनाना चाहिए क्योंकि कृषि के नए नए शोध लिखा हुआ विश्वविद्यालय हो से होने से नए नए शोध के लिए रास्ता खुल जाएगा सीधी सी बात है दोस्तों होना भी चाहिए विश्वविद्यालय बस थोड़ी सुविधाएँ बढ़िया बाकी आपको पता है प्लेसमेंट ये भी अच्छा खासा देता है बात कर दोस्तों डिग्री प्रोग्राम की तो डिग्री प्रो प्रोग्राम में दोस्तों आपको दिख रहा होगा कि जो बीएससी एग्रीकल्चर तो भी होता तो है एमएससी एग्रोनॉमी एंड एग्री एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स एग्रीकल्चर एंड कृषि विस्तार ये सब चीज़ें दोस्तों एमएससी की या बीएससी एस एग्रीकल्चर तो प्रोग्राम ज़्यादा नहीं चलते हैं कमी प्रोग्राम चलते हैं बात करते हैं नंबर दोस्तों फर्स्ट में नंबर फर्स्ट में दोस्तों आपको दिख रहा होगा जे एन एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जबलपुर इसकी दोस्तों तो मतलब एक हिसाब से इसकी बात करना मतलब ये है कि सबसे अच्छा कॉलेज दोस्तों एमपी का टॉप का कॉलेज है जबलपुर एग्रीकल्चर इसकी दोस्तों रैंकिंग थी जो पहले ये टॉप टेन में आता दोस्तों इसकी सेवंथ या सिक्स रैंक आती थी पहले ये सबसे बेस्ट कॉलेज अगर बोला जाए एम का किसी भी क्षेत्र में प्लेसमेंट के क्षेत्र में किसी भी क्षेत्र में सबसे बेस्ट कॉलेज है ये और जो इसके पी मिश्रा जी इसके किसी संकाय के डीन है बी एस एग्रीकल्चर से संबंधित उसके डीन कौन है पी मिश्रा जी हैं और इसकी रैंकिंग की बात की जाए तो ऑल इंडिया में जो एग्रीकल्चर कॉलेज है उसकी रैंकिंग दोस्तों इसकी तैतीस भी आती है इसकी जबलपुर से भी नीचे रैंकिंग आती है पर दोस्तों क्या पता किस वजह से बाकी इसकी अगर बात की जाए दोस्तों सीट्स की या मेंटेनेंस या किसी भी चीज़ में तो ये सबसे बेस्ट कॉलेज है दोस्तों प्लेसमेंट के क्षेत्र में किसी के भी क्षेत्र में सबसे बेस्ट कॉलेज है एम का जबलपुर कॉलेज है ना दोस्तों अब बात करते हैं उसके तो डिग्री तो प्रोग्राम की तो डिग्री प्रोग्राम में तो दोस्तों आपको पता है मैंने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थे वही मेंशन कर रखे डिग्री प्रोग्राम में तो बहुत सारे प्रोग्राम चलते हैं तो बात करते उसमें तो तो बी एस सी एग्रीकल्चर फॉरस्ट्री बी टे एम एस सी एग्रीकल्चर फॉरस्ट्री एम टेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग बहुत सारे प्रोग्राम चलते हैं जो मैंने अभी इसमें नहीं रखे जो टॉप के थे इंपॉर्टेंट थे वो मैंने मैंशन कर रखे हैं है ना दोस्तों तो आपको ये जो चीज़ कैसी लगी आप हमें कमेंट करके बताएँ और किस चीज़ के बारे में वीडियो चाहिए आप हमें कमेंट करके बताएं बने रहें हमारे साथ जय हिंद जय भारत